सो आज इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को कलरफुल कर सकते हो। सो इस टाइप की फोटोज पिक्सआर्ट एप्लीकेशन और एआई की मदद से आप एडिट कर सकते हो। सो इस तरह की फोटोज आपको एडिट करनी है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड यहां पे आपको इसको ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे प्लस वाले आइकन पे टैप करके ऊपर की तरफ आपको एडिट ए फोटो इस वाले बटन पर आपको टैप करना है। देन यहां पे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। तो सिंपली आपको अपनी गैलरी में से अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे हमारी फोटो ऐप के अंदर एड हो चुकी है जैसे देख सकते हो। तो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली इनको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको नीचे ऐड फोटो इस वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। जो आप बैकग्राउंड यूज करना चाहोगे तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करके ऊपर ऐड वाले बटन पर टैप करके इसको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो ये वाला बैकग्राउंड है जैसे कि देख सकते हो। सो ये बैकग्राउंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके तो सिंपली बैकग्राउंड ऐप के अंदर ऐड होने के बाद सिंपली आपको इसको बड़ा कर लेना बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है एंड नीचे से आपको इसको थोड़ा से इसको नीचे की तरफ आपको इसको कर देना। सो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ इरेज वाले बटन पे टैप करना है। सो ये करने के बाद सिंपली आपको अपनी जो फोटो है इसको आपको नीचे से इरेज करना है कुछ इस तरीके से। ओके परफेक्ट तरीके से आपको ये करना है। ओके तो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो परफेक्ट तरीके से इरेज हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको भी परफेक्ट तरीके से इरेज कर लेना है। तो ये होने के बाद आपको सिंपली ऊपर राइट वाले बटन पे टैप कर देना है एंड वापस आपको राइट वाले बटन पे टैप करना है। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर डाउनलोड वाले बटन पे टैप करके आपको अपनी फोटो को डाउनलोड कर लेना है। सो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर पे चले जाना है। सो ब्राउजर पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक वेबसाइट को सर्च करना होगा जिसका नाम है क्रिया एआई। तो सिंपली आपको इसको टाइप करके आपको इसको सर्च कर लेना है। सो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जैसे कि देख सकते हो। सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है। सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है जैसे कि देख सकते हो। सो ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अगर क्रिएट नहीं कर रखा तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है एंड ये होने के बाद सिंपली आपको नीचे ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इनेजर वाले बटन पर टैप कर देना है। सो टैप करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बटन पे आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। तो सिंपली आपको अपनी गैलरी में से अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है जो आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में सेव करी थी। तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो रही है जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। सो यहाँ पे हमारी फोटो इसके अंदर अपलोड हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको ऊपर की तरफ करना है एंड यहाँ पे आपको इसको जूम कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 16x वाली क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे की तरफ आपको इनहेंस वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। इनहेंस वाले बटन पे टैप करोगे तो नीचे की तरफ जैसे कि देख सकते हो ये प्रोसेसिंग ले रहा है। कुछ सेकंड बाद में आपको ये फोटो इनहेंस करके दे देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। सो ऐसे यहाँ पे हमारी फोटो की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन यहाँ पे ये 16x की क्वालिटी में हमारी फोटो आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो की क्वालिटी को देखने के लिए सिंपली आपको नीचे की तरफ जो फोटो दिख रही है आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे टैप करोगे तो ये साइड में फोटो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो ये 16x की क्वालिटी में इंक्रीज हो चुकी है। मैं आपको इसका आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो ये बिफोर है एंड ये आफ्टर है। अच्छी क्वालिटी में हमें इसने फोटो इंक्रीज करके दे दी है। तो सिंपली आप कुछ इस तरीके से अपनी फोटो की क्वालिटी 16x की क्वालिटी में इंक्रीज कर सकते हो। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना। ऊपर एरो दिख रहा होगा डाउनलोड का, तो सिंपली आपको इसको ऊपर टैप करके इस फोटो को डाउनलोड कर लेना। ओके तो ये डाउनलोड हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना जिससे मैं वीडियो कभी भी अपलोड करूँ तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।